وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानशमंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत करेंतफाफ मरतिन करामक वरहमत लबरक्रम सूर आल इमरान आयत नंबर तीस एक सौ नंबर 301. आज का मौजू क्या हम साहेब तकवा हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्त सबक का एरादा होगा पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم والا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ऐसे ही लोगों का सिला परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाघ है जिनके नीचे नहरें बह रही है और वो उनमे हमेशा बसते रहेंगे और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है सवनिक्रम सूर अल इमरान आयत नंबर एक सौ सैतीस तुमसे पहले गुजर चुके हैं फसीरु फिल अर्द तो चलो फिर वो ज़मीन में फ़नजुरू फिर देखो कह फ़काना के बतुलमुकज़म क्या हुआ अंजाम झुटलाने वालों का सामने क्रम इस वक्त जो लोग दुनिया में पाए जाते हैं और जब कभी भी जब से दुनिया आबाद हुई है दो किस्म के लोगों से दुनिया मतलब दुनिया में दो किस्म के लोग आबाद हैं एक वो हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया अपने रब को पहचान लिया अपने अपनी मंजिल को जान गए और हकीकी मबूद मकसूद और महबूब की तरफ रुख करके ज़िंदगी गुजारने लगे एक दूसरा ग्रोह जो है उन लोगों का है जिन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना अपनी मंजिल को नहीं पहचाना और अपना रुख बातिल की तरफ करके ज़िंदगी गुजारते रहे दुनिया ही को महबूब मकसूद और मतलूब बना लिया और दुनिया ही के लिए ज़िंदगी गुजार कर चले गए और ये पहले भी थे लोग आज भी हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे कोई वक्त मक़बिन से कोई वक्त खाली नहीं होगा मुकज़ब कौन लोग हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने देखें मक़्ब का लफ्ज़ किया है इस्तेमाल किया है जुटलाने वाले हर वो शख़्स जिसका रुख़ अल्लाह की तरफ़ नहीं है दर हकीकत वो झुटलाने वाला है अब ये बिल्कुल सादी सी बात है और इसमें कोई टेढ़ नहीं है कोई कजी नहीं है और जहाँ तक हम आज के लोगों का तस्करा करते हैं यानी उम्मत मुस्लिम का ये लोग भी हक़ की तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है इनका यकीन जो है झूठ पर है और झूठ के सामने ही उन्होंने सर झुकाया हुआ है और झूठ ही यानी बातिल ही उनका क़िबला है और मकसूद है महबूब है और मतलूब है देखिए गलत बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है मैं आपसे कहता रहता हूँ व मैर गम मिल्लत इब्राहिम नफसा जो कोई भी मिल्ल इब्राहिम से बेजारी इख्तियार करेगा बेरगबती इख्तियार करेगा तो दरअसल वो बेवकूफ है उसने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया है देखिए बेवकूफ़ एक तो खुद इंसान बन जाता है और एक बेवकूफ़ से कोई बनाता है अगर बैरूनीतें हैं भी बेवकूफ़ बनाने के लिए मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स आपको बेवकूफ़ बना रहा है या कोशिश कर रहा है तो आपके पास तो तोल है ना आप तो ये नहीं कह सकते कि बस उसने बेवकूफ़ बनाया और मैं बन गया ये एक छोटी सी बात है इस पर ज़रा गौर करें आप ज़माने को दोष न दें आप नफ्स और शैतान को दोष न दें उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराएं। आप अपने दोस्तों को अपने माशरे को अपने माँ बाप को इसको आप इल्ज़ाम दें ये ठीक नहीं थे हम क्या करते हैं वक्त ही ऐसा था ज़माना ही ऐसा था ज़माना अगर उल्टी चाल चल रहा है तो आप में तो सोचो विचार तो है ना आप सोच सोच लें विचार लें तो देखें इसमें आयत नंबर 137 में जैसा कि मैंने आपको तर्जुमा करके बताया फ़न जरू कह फकाना आपके बतुलमकज़बीन मुकज़बीन का अंजाम क्या हुआ देखें हर वो शख्स मैं ही सी बात करूँ इसको ज़रा गौर कर लें हर वो शख्स जिसने है जो हक़ को झुठला के ज़िंदगी गुजार रहा है एक तो ये परेशान क्या हैं इसके एक तो ये शख्स परेशानी का शिकार होगा स्ट्रेस डिप्रेशन एंगजाइटी जो भी आप कह लें परेशान होगा अपनी ज़िंदगी से परेशान होगा ख्वाब आप इसके पास लाखों करोड़ों की दौलत है या नहीं है। लेकिन ये होगा परेशान मतम नहीं होगा मतम अगर आपको दिखता भी है तो वो ज़ाहरी तौर पर लेकिन रूह ही इसकी परेशान होगी कल भी सुकून और इतमान इसको नसीब नहीं होगा दूसरा ये कि यदि ये, ये एक बहुत बड़ी इंसान अगर मुसलसल टेंशन में रहे तो ये एक बहुत बड़ी एक कस्म का आजाब है फिर दीगर यानी अल्लाह की नाराज़गी है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती झूठलाने वालों से अल्लाह ताला कभी राज़ी नहीं हो सकता कुरान में लिखा हुआ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ है ओ कमाकाल कि अल्लाह नाफरमानों से राजी नहीं होता हमारी रबिश जो है वो नाफरमानी की है ज़िंदगी गुजारने की जो रविश है वो नाफ़रमानी की रविश है तो बहरहाल इन तमाम बातों पे हमें आपको मुझे सोचना होगा रवैये असल में रवैये बदलने की ज़रूरत है या तो आपका रवैया जो है वो झुठलाने वाला है या आप सच समझते हैं जो हक़ है उसको सच समझते हैं अगर आप सच समझते हैं तो आपका रुख जो है सबसे पहले आपका ज़िंदगी का रुख बदलना चाहिए आपको अल्लाह की तरफ अपना रुख फेर के आपको ये ऐलान करना होगा कि इन नसलाती व नसुकी व माहिया व ममाती ला रबालमी मेरा तो भाई सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है और उसका कोई शरीक नहीं है और मशरक़ों में से नहीं हो और फिर आपको ये भी ऐलान करना होगा कि इ वजह तो वजह समावात वल वलअर्द हनीफ़ वमाना मुशरिकीन मैंने अपना रुख फेल लिया है उसकी की तरफ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है और मैं यकसू हूँ देखिए ये यकसुई इंसान अगर यकसूँ ना हो तो फिर मुशरिक होता है ये बात ज़रा नोट कर लें हम तो इसको ग़ो फिक्र नहीं करते नुरानी आयात पर अगर आप गौर करें तो आपको बहुत से नुक़े वैसे ही हल हो जाएंगे मशरक़ कौन है जो यसू न हो यानी शिरक में जा पड़ता है अला फिल फितन तक़तु ये लोग तो फितने में आज़माइश में पड़ गए तो देखें यकसुई यक, यक तरफ तो अगर आप यक तरफ नहीं हैं यकसू नहीं है आज आज देख लें आज हमें से कोई ऐसा दावा तो नहीं कर सकता कि हम जो हैं यकसू है। और दरअसल हमें वो कलमे की कलमे को अमल पढ़ने की ज़रूरत है जो हाजी जो है जब एहराम बांधते हैं उसके बाद जो कलमा पढ़ते हैं लबाएक 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 ला शरीक लबिकलाब्बिक लबिकला लक वल मुल्क ला शरीक लक ये हाजी के तरह नहीं है ये हमारा जब आप अक़ल और होश हवा संभाल लेते हैं ना तो आपको लब्बैक कहना होगा दो आपके सामने इंसान जब पैदा ये बाल अक़िल हो जाता है ना तो इसके सामने दो रुख होते हैं ज़िंदगी की दो जहतें होती हैं एक जहत जो है वो दुनिया की तरफ है और एक जो है वो आखिरत की तरफ है एक तरफ़ जाहिर है एक तरफ़ बातिन है इसमें अब इसको लाज़िमन एक को लबैक लब कहना होगा आम तौर पे हमने दुनिया को लब्बैक कह दिया है और दुनिया ही के लिए हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस बात में तो कोई दो राय हो नहीं सकती आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कबला और क़ाबा मकसूद महबूब व मतलूब अल्लाह की ज़ात है आप शोरी या गैर शौरी तौर पे आपका रुख जो है वो ज़ाहिर की तरफ़ है जाहिर के लिए आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें अब आप के लिए बातिन में कुछ नहीं है अभी आगे आएगा तो सवाबत दुनिया आयत नंबर मैं आपको बताता हूँ आयत नंबर है 145 सौ इसी आगे चल के मजमून में आएगा वमई युरीद दुनिया नुती ही वमन वमई सवाबल आखिरत नुती ही मिन, नुती ही मिन जो दुनिया का अजर चाहता है तो उसको मैं वो दे दूँगा और जो आखिरत का चाहता है तो मैं उसको वो दे दूँगा असल में चाहने की बात है हम लोगों ने हमारी चाहत का जो नुक़ँ है वो दुनिया है हम दुनिया का सवाब चाहते हैं दुनिया सवाब मतलब इनाम या अजर जो भी आप कह लें हमें दुनिया दुनिया हमें अच्छी चाहिए और अच्छी ज़िंदगी यानी अच्छी ज़िंदगी के हम तलबगार हैं और दुनिया ही के हम यानी तालिब हैं तो ठीक है आपको तो दुनिया मिलेगी बाहर हाल मिलेगी दुनिया का जहाँ तक मामला है मैंने आपको कहा है दुनिया तो आपके नसीब की बात है अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिख दिया है अब चाहे आप दुनिया तलब करें या आखिरत के तलबगार गार बने तो दुनिया आपको बहरहाल मिलेगी ये नहीं हो सकता कि आप आखिरत के तलबगार बन जाएं तो दुनिया आपसे छीन लेगा अल्लाह ताला। ये गलत एक शैतानी तस्वुर है यह शैतान अ शैतान यादकम फख्रवाय अमर उकमशा वो हमें फ़खर से डराता है लेकिन वो सिर्फ़ शैतान का डरावा है शैतान का डरावा तो <laughs> उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है वो डरावा है नहीं। तो, ही नहीं बहर तो मयूरी सवाब दुनिया नुति ही वही तो बहरहाल हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलत मिन कबल कम सुन फ़सी रुफ़िल अर्द फंजु रुका फ़काना के बतुलमुकज़बिन यानी अल्लाह ताला इस आयत में हमें दावत फ़िक्र दे रहा है कि तुम यानी वाकयात से सबक लो इंसान वाकयात से सीखता है ये इंसानी यानी फितरत में है कि ये वाकयात से सीखता है मुशाहदात मिसाल के तौर पर एक बच्चा है बच्चा जो नया है आ, मुझे ख़ुद मैं अपने बचपन का वाक़ बयान करूँ यानी मेरी उम्र उस वक्त छः साल होगी पाँच साल होगी इस तरीके से पाँच साल शायद तो जाहिर है कि इंसान जब नया दुनिया में आता है तो उसे तो चीज़ों का इल्म नहीं होता अब बिजली से तो हम वाक़ नहीं थे बिजली में कितनी ताकत है क्या पावर है हमारे यानी कमरों में हर कमरे में लगे होते हैं बिजली के प्लग लगे होते हैं तो मैंने एक दिन किसी लोहे की किसी चीज़ से वो जो था यानी एक तो प्लस माइनस होते हैं ना तो उसका जो प्लस होता है वो तो ज़्यादा होता है माइनस जो है तो उसमें कम बिजली होती है तो वो माइनस में मैंने कोई लोहे की चीज़ डाल के वो बच्चा था मैं तो चीज़ डाल के देखा तो उसने मुझे झटका दिया और मेरे होश ठिकाने आ गए आइंदा के लिए फिर मैंने ऐसा नहीं किया <laughs> मैंने तो कहा यार ये तो ख़तरनाक चीज़ है यानी बच्चा था मैं बचपन क्या वाक़ है और हर इंसान देखें वाक़ात से सीखता है मैं तो यही कह रहा हूँ ना फ़न झ़ुरू क फ़कान आँ तुम वाक़ को देख लो मिन क़त ख़लत मिन क़बले कुम सुन फ़सीरुफ़िल अर्द फ़न रू क फ़कान आँ वाक़ात को देखो आज भी यानी ये तो अब पुराने ज़माने का वो है साढ़े चौदह सौ साल हो गए इस कलाम को अब यानी ज़माना जो है साइंस इस हद तक आ गई है कि आप यानी सारे वाक़ आपके सामने इंटरनेट पे मौजूद हैं और मदायन सवाल हैं आप सर्च करें गूगल करें वो मिल जाएंगे कौम यहूद कौम आद और बहिर लूत ये सारी जो हैं फ़िरौन की लाश ये सब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इससे आप एबरत लें क्यों ऐसा हुआ कि पैगम्बर आया उसने दावत पेश की एक हद तक उसको मोहलत दी गई कौम ने न माना उसको अल्लाह ताला ने आ लिहा साफ साफिलहा कौम लूत के बारे में कि मैंने उसके ऊपर हिस्से को नीचे कर दिया बस्ती उलट दी उसमें इसी तरह चंगहाड़ आई जलजला आया चंगाड़ आई आतिशां फटे और इन कौमों के अजाबात को आप देखें आखिर क्यों इन पर आजाब आया बस ये एक सवाल है फंजूरू कह फाना आके मुकज़बीन अल्लाह ताला में दावत फ़िक्र दे रहा है कि ठीक है तुम अगर मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम जरा चलो फिरो ज़मीन में शीरू फिल अर दे आज मैं कह रहा हूँ आपको चलने फिरने की ज़रूरत ही नहीं है आप गूगल कर लें आपको सामने सारी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी तो आप यानी असल तो इबरत है इबरत अगर अभी नहीं ले रहे आप तो चल फिर के क्या इबरत लेंगे बहरहाल तो ये एक बात है सामने इक्रम असल में हमारा ये कुरानी आयात अगर आप देखें ना हम पे कोई ख़ास असरअंदाज नहीं होती है अल्लाह हमें समझाए जा रहा है समझाए शरू फिलरदे फंजुरु कहफकाना आके बतुलज़बी लेकिन आप महसूस करें ना कि हम पर कोई असर नहीं होता कुरानी आयात का या अल्लाह की जो ये बयान हो रहा है किसी चीज़ से भी हम इबरत लेने के लिए तैयार नहीं हैं इसको ज़रा आप महसूस करें बहरहाल ये तो अब आपकी मर्ज़ी है अल्लाह ताला ने तो हिदायत देना और यानी लोगों को कोबरत के लिए वाक़ सुनाना तो अल्लाह ताला ने का तरीक़ा है चलें आगे चलते हैं हाजा बयान लिलादम वमा एज़ातुलम्तीन ये बयान है लोगों के लिए वह हु और हिदायत है और इसमें नसीहत है मुतकीन के लिए तो अब यह है न कि ये बयान है लोगों के लिए लोगों में आप शामिल हैं कि नहीं हैं आप मुझे बताएं अब ये आयत मिसाल के तौर पे मैंने ये आयत पढ़ी मैं नहीं ख्याल करता कि हम पे वो असर हुआ हो जो असर होना चाहिए या इसमें इसमें से हम हिदायत ले लें इस बयान से हम हिदायत ले लें या नसीहत हासिल कर लें लेकिन ये सारी इसमें हिदायत है और नसीहत है किसके लिए लिल लिलमुत मुत्तकियों के लिए है इस बात पे थोड़ा सोचें ना कि आया मैं मुत्तकी हूँ कि नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें मोहतात आपका रवैया मोहतात है कि गैर मोहतात है यकीनन हम एक गैर मोहतात ज़िंदगी गुजार रहे हैं यकीन हम अल्लाह की रजाओं को नज़रअाज़ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं आपको घर की मिसाल देता हूँ ना मियाँ बीवी की ये इसलिए देता हूँ कि इनिशियली जो है ऐसा ही हमारा होता है हर एक इंसान एक घर में रहता है घर में उसका अपने अखलाक से वो पहचाना जाता है तो ये बयान है लोगों के लिए और लोगों में मैं भी शामिल हूँ आप भी शामिल हैं इसमें हिदायत है मैंने भी हिदायत लेनी है आपने भी इसमें नसीहत है लेकिन किस के लिए मतकीन के लिए मती कौन शख्स है देखिए हम तर्जुमा तो करते हैं लेकिन उसकी बात की गहराई में नहीं जाते हर वो शख्स जिसकी मंजिल दुनिया है आखिरत नहीं है ये मुती हो नहीं सकता तो ये नसीहत और हिदायत तो मतकीिन के लिए है देखिए कुरान हदल लिल्मीन है शुरू में हमने पढ़ा अलफ़लामी जालिकल किताब लार ला बफ़ी हदल लिल्मी इसमें हिदायत है मतकीिन के लिए मुतकी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुतकी वो शख्स है जो अपने आप को पहचान चुका हो अपनी मंजिल को पहचान चुका हो अल्लाह उसकी मंजिल बन गई हो उसने यकीन कर लिया हो और ये नारस्ताना कह दिया हो कि इ सलाती नसुकी व महिया या व ममाती लब आलमी और ये लब्बैक कह चुका हो अल्लाह को रब के सामने लब्ब कल हमलब कला शरी कल कलबलम शरी कर तो बहरल इसमें यानी जो बात है ये नसीहत तो है लिल्मीन है क़ुरान मत्कीन के लिए है आप देखते हैं ना थोड़ा सा खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि हमें ये कुरान कोई ख़ास असर नहीं डाल रहा हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज नहीं हो रहा उसकी वजह क्या है कि हम गैर मुतकी हैं गैर मुतकी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जिना कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं या ये या, या वो हैं ये मतलब नहीं है गैर मुतकी का वो तो हैं अपनी जगह बुरे काम हैं मैं उसको इनकार तो नहीं कर रहा गैर मुती शख्स वो है जिसकी मंजिल दुनिया दुनिया हो जिसका रुख दुनिया की तरफ हो ये गैर मुती शख्स है जो दुनिया की कामयाबी पर यकीन रखता हो कि ये असल कामयाबी यही है खुशी की बात यही है कि दुनिया में मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाए दुनिया मुझे अच्छ अच्छी मिल जाए मैं बहुत खुश हूँ फ़रीहू बिल हयात दुनिया के अल्फाज हैं कुरान में ये लोग तो दुनिया ज़ाहिर की ज़िंदगी पर खुश हो रहे वल हयात दुनिया फ़िल इल्ला मता और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले तो इस एक बरतने का सामान है बस मता और फिर दूसरी जगह गुरूर भी धोखे का सामान है तो बहरअल देखें हमने सोचना और समझना होगा ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि हमसे जे आंसर शीट है ये छीन ली जाए सुमर उद्दू अल्ला हक और रब की तरफ हम वापस चले जाएं और फिर हमारे पास जो जो सवालात पूछे जाते हैं उसका जवाब ना हो देखें कब्र में जो सवालात पूछे जाएंगे उसके जवाब अभी से आपने तैयार करने हैं अल्लाह रसूल और दीन के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है दीन क्या है और रसूल के बारे में तुम्हारी क्या राय है ये जवाबात आज भी हम नहीं जानते रब रब तो हमारा अल्लाह नहीं है अमली तौर पे, रुबूबियत मबूद और तवज्जो नाफ़े अद्वार ये सब रब की सिफात हैं हम तो दुनिया को समझते हैं आप देखें ना मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रिश्वत है करप्शन है तो हर शख्स रिश्वत और करप्शन को आ, अपनी दुनियावी यानी मतलब यह है कि दौलत के लिए माल हराम ये कमाना जायज़ समझता है आज का मुसलमान जो है पाकिस्तान का बाहर तो जो भी है तो यानी आपको हलाल और हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है और आपका रुख जो है जाहिर की तरफ है बातन की तरफ नहीं है आपका रुख तो जब आपका रुख जाहिर की तरफ हो गया तो आप तो मुत्तकी नहीं है न मुत्तकी हैं आप न बन सकते हैं आप देखें नेकी करना हमारे लिए कितना मुश्किल है जो मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ मियाँ है बीवी है मियाँ अगर नाराज़ हो जाए तो क्या वो सेकंडों में अपना रवैया बदल सकता है अगर उस पर अपनी ग़लती वाजे हो जाए सेकंडों में नहीं बदल सकता क्यों ये उसकी आदत है ये उसका तरीक़ा है कि नाराज़ होगा तो रहेगा जब तक कोई ख़ास हालात तो वाकयात ना आ जाए जो भी हो लेकिन हम यानी मोमिन की क्या आदत है एजा तयफ़ुम एज़ा मसत हम तयफ़ इन्ह शैतान तजक करो फ़ैज़ा हम मुबसरू मोमिनाना सिफत यह है कि जब इनको यानी शैतान की तरफ़ से कोई ऐसी वो पहुँचती है मुखालफाना रविश तो ये बेदार हो जाते हैं फैज़ा हम मुबसरून इनके सामने हकीकत खुल जाती है तो सेकंडों में कोई अपना रवैया नहीं बदलता मतलब गु़स्सा हुआ अब ये शोहर अगर बीवी से खफा हो गया मिसाल के तौर पर अब वो खफा रहेगा अब हर शोहर की अपनी मर्ज़ी है कि कब राजी होता है दिन लगते हैं दो दिन लगते हैं तो जब तक बीवी माफ़ी ना मांग ले बीवी का माफ़ी मांगना ज़रूरी तो नहीं है आप खुद ही माफ़ कर दें आप ख़ुद ही राज़ी हो जाएं, लेकिन ये रवैये नहीं है असल में मोहतात रवैया नहीं है हम गाफिल हैं और गाफिल रहना चाहते हैं तो बहरहाल ये सारी बातें हैं और इसको देखें आप हल्का न लें ये कुरान जो है ना ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए है आपको ये मैं बात वजाहत से इसमें नसीहत रोज़मर्रा जिंदगी के लिए लेकिन अगर आप साहिब तकवा नहीं हैं यानी आपका ईमान बिल्ला नहीं है तो आप साहिब तकवा बन नहीं सकते जब साहेब तकवा आप नहीं हैं तो क़ुरान में आपके लिए कुछ भी नहीं है ये बात नोट कर लें देखें यही तो वजह है कि आज क़ुरान में हम अपने लिए कुछ नहीं पाते और अल्लाह के लिए जीना ये हमारे ख्वाब ख़्याल में नहीं है दुनिया के लिए जीना असल जीना हम इसे ही समझते हैं मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين हाजा बयाना से बहुत मुत्तकीन तर्जुमा सुना दे कद खलत मिन कबले सुनानुन यकीनन गुजर चुका है तुमसे पहले वाकयात फसीरु फिल अर्दे सैर करो ज़मीन में फ़नज रूका फ़काना के बतुलमुकजबीन क्या हुआ अंजाम झुटलाने वालों का हाथा बयानस ये बयान है लोगों के लिए बहुदम व वमाज़तिल्मी इसमें हिदायत भी है और नसीहत भी है सिर्फ तकवा वालों के लिए अबिनायत की तिलावत और तो तर्जुमा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں کی مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं तो तुम जमीन में सैर करके देख लो कि जुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ क्रम इसके साथ आज के दर्श का वक्त इख्तिताम को पहुंचा